प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन वह है 7 सितंबर, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया। ये जो कोटेशन हम हर साल बोलते हैं और भगवान गणेश का जब विसर्जन करते हैं फिर उनका आह्वान करते हैं, तो गणेश जी का आज आने का दिन एक महत्वपूर्ण दिन और हम सब के लिए, क्योंकि यदि आपके पास कोई चीज़ की बिगेनिंग नहीं हो रही हो, कोई चीज़ आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा हो, तब आप अपने घर में गणेश जी का जो यंत्र है उसे आप स्थापित कर सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रथम पूज्य जो देव हैं, जो आदि देव हैं, वो हैं भगवान गणेश। और आप चाहते हैं कि चूँकि आज से गणेश चतुर्थी का प्रारंभ हो रहा है, 11 दिनों का पर्व है कई जगह, ये 7 दिनों का कई जगह, 5 दिनों का लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसे बनाते हैं, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें विद्यमान रहती है, तो आप चाहें तो प्रतिदिन 21 लड्डुओं का भोग गणेश जी को आप लगातार एकम से लेकर जब तक आप गणेश जी को विराजते हैं तब तक आप लगा सकते हैं। इससे आपके व्यापार व्यवसाय में मोतीचूर के लड्डू आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ में आप चाहते हैं कि गणेश जी का आपको कृपा मिले तो 11 दिन तक थोड़ा सा जो दूबी है आप उसे लें, थोड़ा सा जल लें, जल में थोड़ा सा हल्दी लें, हल्दी में थोड़ा जल को मिलाएं और दूबी को हल्दी में लगा के, दूबी के ऊपर में हल्दी लग के ओम गम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करके प्रतिदिन 108 जो दूब है वो गणेश जी को चढ़ाएं और साथ ही साथ 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आपकी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी। और साथ ही साथ आप चाहें तो भगवान गणेश के इस जो उत्सव है, इस उत्सव में आप चाहें तो इसमें आप एक चीज़ और भी एड ऑन कर सकते हैं। आपके आसपास मोहल्ले में कहीं पे भी भंडारे वगैरह होते होंगे तो उसमें आप सवा मन जो है हलवा, यदि आप चाहें तो आप दे सकते हैं बाबा भगवान गणेश को, भोग लगा के बंटवा भी सकते हैं इन दिनों पे, इससे भी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। इसे सवा मनी भी कहा जाता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो ये तो हुई चर्चा आज के दिन की। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है उनके लिए जो आज का दिन है एक महत्वपूर्ण दिन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख वाले है, आज के दिन कोई एक सेंटर पोजीशन पे आता हुआ और एक न्याय की स्थिति की ओर जाता हुआ, कोई चीज़ों पर उसे न्याय मिलेगा, कुछ ऐसी स्थितियों के लिए अंक 1 जा रहा और 2 लोगों से कुछ परामर्श भी उसका हो रहा, तो न्याय के उसमें और कोई नए सूत्र भी उसे मिल रहे धन कमाने के। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है उनके लिए जो आज का दिन है कोई शुभ समाचार उनकी प्रतीक्षा कर रहा और किसी महिला के माध्यम से कोई शुभ समाचार उन्हें आज प्राप्त हो सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3/21/30 है हो सकता है आज के दिन उसका काम पे मन ना लगे, कहीं दूर घूमने चले जाए, ऐसा कुछ स्थितियाँ हो, थोड़े से संघर्ष के कारण मन में अवसाद की स्थिति। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/13/22/31 है उसे आशानुकूल लाभ और लाभ की स्थिति अंक 4 के लिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है उनके लिए भी आज का जो दिन है शुभ है, कार्य में सफलता उन्हें मिलेगी, महिला के पक्ष से सहयोग मिलेगा और एक सुंदर महिला के उससे हो सकता है कि आपके कार्य संभव हो। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है बड़े बुजुर्गों की सलाह लेके अपने कार्य करेंगे तो बेहतर रहेंगे। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है उसके लिए जो मन है थोड़ा सा खिन्नता की स्थिति हो सकती है, कई बार कई चीज़ें मिल भी रही तो जिस तरीके से जो चीज़ें आप चाह रहे उस तरीके से नहीं मिल रही, तो आपको ऐसा लगता है एक बच्चे की तरह अड़ा हुआ हूँ अपने जिद पे मैं, या तो मुझे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। तो अंक 7 के लिए आज की स्थितियाँ ये, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 आज के दिन उसकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग होती हुई और कमांडिंग पोजीशन पे आता हुआ, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 लंबे समय के बाद जो आप संघर्ष कर रहे थे ऐसा लग रहा है कि अब वो संघर्ष की चाबी आपको मिल रही है, आप एक सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज का दिन 7 सितंबर की। आपको आपके भविष्य से जुड़े इन जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415114000 पर, डोंट वरी, कॉल पंकज महेश्वरी, और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।